कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान। संस्थान के मुख्य दो उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है आओ पहुंचाएं रामचरितमानस घर घर में और दूसरा है लवारिस मानव मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करना। इसके साथ ही संस्थान के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प लिया है कि आदि माँ गोमती के पावन तट पर प्रभु लक्ष्मण भगवान जी द्वारा निर्माण कराए गए नगर लखनऊ में भगवान श्री लक्ष्मण जी का विशाल भव्य मंदिर का निर्माण और धर्मार्थ आए धर्मार्थ जाए सनातन वैदिक शिक्षण केंद्र व आश्रम का निर्माण हो। इसमें आप भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सेवा संस्थान के खाते में भेज सकते हैं। राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3609554539, IFSC कोड है SBIN000835। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9454701634 पर। मांगी ना होना क्यों बैठाना है? और कह रहा है सरकार सुनिए, आप आए आपका स्वागत है प्रभु, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? प्रार्थना ये है कि आप अपना चरण रज हमसे धुलवा लीजिए, तभी आपको हम गंगा पार कराएंगे। आप चाहे जितना निवेदन करिए, हम गंगा पार नहीं करवाएंगे तब तक जब तक आपके चरण रज को हम एक बार धुल करके चख नहीं लेंगे। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? अरे हमने सुना है कि इसमें जादू है, टोना है, और जिसको छूती है वो तो, जिसको स्पर्श करती हो तो नारी बन जाती है। और हमने सुना है जो नारी बनती हो कोई ना कोई ब्राह्मण होती है, ब्राह्मणी होती है। और सरकार में तो केवट है, मैं तो केवट सरकार, वो आएगी मेरे घर कहेगी ए केवट, नया मकान, नया घर, नया गाड़ी, नया बर्तन भाड़ा सरकार में, बहुत गरीब हूँ सरकार, मैं कैसे पालूंगा। मुझे पता है आप कोई ना कोई योजना बना के आए हैं, इसीलिए आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। केवट बार बार चिलौरी कर रहा हो, आइए हम लोग जरा केवट के भाव से एक बार प्रार्थना से परमात्मा से करें चिलौरी। अर्जी बराबर से केवट कह रहा है सरकार, अर्जी बराबर से अरजिया के मानी कहती तले कठौता में पानी, कहती तले कठौता में पानी, तोहरा चरनिया में जादू भर
कठौता में पानी। केवट प्रार्थना कर रहा है, सरकार चरण धुलवा लीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा सरकार। ये सरकार बिना चरण धुलाए आपको यदि हमने अपने काठ की नाव पे चढ़ा लिया तो आपके चरण रस से तो पर्वत भी नारी बन जाती है। सरकार मैं बहुत गरीब हूँ, इसी के सहारे मेरा पूरा परिवार पलता सरकार। हे सरकार, एक बार आप मेरी बात मानिए, बार बार चोरी कर रहा है लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी कभी कभी घूर के देख रहे हैं। क्या कह रहा है लक्ष्मण से कहता है, आपके पिताजी की सौगंध का कह रहा हूँ, क्या बिना चरण धुलाए उस पार नहीं निकालूंगा। यहाँ पे केवट को लगता है कि परमात्मा के पास शायद कुछ है नहीं हमें देने के लिए, इसीलिए हाँ नहीं कर रहे हैं हमें, इसीलिए परमात्मा संकोच में है। कहता है धोबी से धोबी धोवाई न ले, परमात्मा ने उसके आर्त भाव को स्वीकार कर लिया हो और आदेश दे दिया, भैया जल्दी करो। भगवान को मुस्कुराता हुआ पाता है और कहता सरकार कहो ना, जल्दी से कहो ना। सरकार ने कहा सुनो भैया, हमें शीघ्रता है, आप शीघ्रता से जाइए, जो भी करना हो करिए लेकिन शीघ्रता से करिए। आया केवट, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई मोही राम राहुर आन दशरथ सपथ सब साची स्वामी ने लिखा है। केवट कहता है परमात्मा कहते ठीक भाई, चलो अब जल्दी करो, जो करना हो करो। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक धरनी, मंदी के चरण चरण चौ दिसी बैठ गेरी।
आदेश पाया तो लाया केवट कठौता लाया हो, एक बार दो बार तीन बार परमात्मा ने कहा भैया सिखता करो, आया सरकार एक बार दो बार तीन बार लाया, हे आओ, बुला लिया पूरे परिवार को, माय बाप जब आपको परमात्मा का दर्शन का सत्संग का अवसर प्राप्त हो तो कथा ये कहती है अकेले मत जाओ, बुलाओ पूरे परिवार को, बुलाओ पूरे अपने समाज को, आया और चारों तरफ से परमात्मा को घेर लिया। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नी पंडित के चरण चाहूं दिसी बैठ घेरी, चारों तरफ से घेर लिया और छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी फेरी धोई लोग अहंकार में है। गुरु जी को चरण स्पर्श करना चाहते हैं, इतने अहंकार में है, गुरु तो कहेंगे लेकिन ना मुड़िया पावा तो मुड़िया बैठ जाएंगे, गुरु भी कहेंगे मुड़िया बैठ जाएंगे। और यहाँ देखिए राघव जी का सेवा कर रहा हो, तुलसी सराहे ताको भागो सानुराग सूर बरसे सुमन जय जय कहे ठेरी ठेरी जय जय कहे ठेरी। देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, वाह वाह रे केवट, आज तुमने जिन चरणों से गंगा जी निकली, जिन चरणों से पुरुषष्ठ का निर्माण हुआ, आज उन चरणों को धो करके बारंबार पी रहा है। अभिभिद स्नेह सानी बानी आसयानी सुनी हसे राघव जान की लखन तहेरी। राम जी हंस रहे हैं, जानकी जी देख रही हैं, लक्ष्मण जी घूर रहे हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं और केवट पी रहा है एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो बहुत बार पी रहा है, इसकी समस्या क्या है, जरा आप कुछ कहिए, हमको तो डांट दिया। केवट ने कहा लक्ष्मण जी सुनिए, ये अपनी आंखें दिखाइएगा परशुराम जी को, हम परशुराम जी नहीं है, डर जाएंगे, हाँ हम केवट हैं। अब तो फंस गया मैटर ना, अब बिना पार लगाए आप जाएंगे नहीं। कहता केवट लखन जी सुनिए, क्या आप बार बार देख रहे हैं हमको, मार दीजिए आपको मारना हो तो, जब तक चरण का सरकार का हम चरण का पान नहीं कर लेंगे धोकर के, तब तक नहीं पार करा लाएंगे आपके पिताजी की सौगंध। और सुनिए एको रुपया लेंगे नहीं, एक ढेला भर पैसा नहीं लेंगे, आपको गंगा पार करा देंगे। लेकिन सरकार इस भाव से तो परमात्मा ने हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, हसे राघव जानकी लखन तनहेरी। राम जी कह रहे हैं कहां लखन, अरे जानकी कहां हो, अरे देखो तो यहां ठाकुर जी की कृपा हुई हो, परमात्मा ने अथा कृपा किया। केवट ने कहा सरकार आपका चरण तो पखार लिया, मेरा पूरा परिवार मेरा पूरा समाज तो पा लिया सरकार, अब आप आदेश करिए। तो बोले क्या आदेश करूं भैया, मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं हमको गंगा पार करा दीजिए। बोले सरकार अभी कैसे पार करा दूं, हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी खड़े हैं पार होने के लिए, आपसे पहले आए हैं, अवसर मिला है, कहो तो पहले उन्हें पार कराएं कि। अरे बोले भैया जो करना करो, आया धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी, एक बार दो बार तीन बार अपने पूर्वजों को भी तारा है। यहाँ पे केवट ने अघा गया, कहा सरकार मुझे पता था कि आप आएंगे, इसीलिए मैं क्योटनिया से लड़के आया था, कुछ भी खा के नहीं आया था, और कहा सरकार आज मैं खाली चरण सरकार का चरणामृत ही पीऊंगा, खूब पिया सरकार, आह तकारा खूब। कहा सरकार अब आप जो कहिए सो कहिए, अब मैं चलता हूँ। सुनिए केवट ने जब सुना लक्ष्मण जी के मुख से कि राम जी ब्रह्म हैं, तो केवट को आहा ब्रह्म है तब तो मेरा कल्याण होगा ही होगा। और जब देखा कि सरकार नंगे पैर आ रहे हैं, सरकार के चरणों में चरण पादुका नहीं है, तो केवट ने कहा रे अवधपुर के महाराज के सुपुत्र महाराज दशरथ के नंदन नंगे पैर गरम गरम बालू में जलते बालू में आ रहे हैं,
राम जी के त्याग को देख करके केवट को लगा कि हो ना हो परमात्मा का अब चरणोदक चरणामृत बन गया है और चरणामृत पान करके ही केवट उस पार निकालेगा। भले ही गंगा जी मैया भगवान के चरणों से निकली हो, भले ही गंगा जी को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में लेके घूम रहे हो, भले ही भगवान के श्री चरणों का रज जनक जी धुल करके अपने मकान में छिड़के हो, लेकिन ये केवट तो बिना पान किए जाने नहीं देगा। त्याग व्यक्ति को अमृत प्रदान करता है। माय बाप यही त्याग समझ में आ गया केवट को और राघव जी के चरणोदक को केवट ने चरणामृत कह दिया और चरणामृत का पान एक बार में बारंबार किया और बारंबार करके परमात्मा की कृपा से अपने को तारा, अपने परिवार को तारा, अपने समाज को तारा और तो और उसने अपने कुलों को भी तार दिया। अब परमात्मा ने कहा भैया ले चलो, बैठाया केवट गंगा जी पे, अरे अपने अपने उस पे केवट ने बैठाया, सरकार आइए, सरकार आइए, यहाँ भी क्रम का ध्यान रहे। सुनिए, एक व्यक्ति गया, सर भैया क्या बताऊं, और ट्रेन से मैं आया हूँ, मेरी पत्नी छूट गई। पत्नी छूट गई? हाँ, काहे भैया? ससुराल तो चढ़ गया, वो का छोड़ दिया। क्रम का ध्यान रखो यार, क्रम का ध्यान रखो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन गए? निषाद राज। क्यों? जल है वो चढ़े। फिर कौन गया? माँ जानकी जी को राम जी ने पहले चढ़ाया, चढ़िए, तब राम जी स्वयं गए। तीर्थ यात्रा पे जाइए तो अपना बैग लेकर के आगे मत चढ़ जाइए, आओ आओ दौड़ो दौड़ो। अब पत्नी को उसकी गोद में बच्चा भी है और तो ससुर पहले चढ़ गया, अब बेचारी उसका तो ट्रेन छूट ही जाएगा। अरे पहले उसको चढ़ाओ यार। राम जी ने पहले माँ जानकी चढ़ाया, तब चढ़े और तब जा करके सबसे आखिरी में लखन जी चढ़े केवट पे सवार। केवट अपने नाव पे परमात्मा को सवार किया और लेके चला। अब जब परमात्मा नाव में बैठ करके गंगा मैया पे चल रहे हैं तो गंगा मैया पूरा उफना गई। क्यों? अरे परमात्मा आए हैं, इनका चरण स्पर्श हो जाए, कृपा प्राप्त हो जाए। तो चरण मैया गंगा मैया के अपनाहट को देख करके केवट कहता है, क्या कहता है वो? हाँ, आह मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे, मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। हाँ, धीरे बहो धीरे बहो सफल भय जन्म हमारे, आज कहता केवट भय जन्म हमारे, आज सफल भय जन्म हमारे, आज सफल भय जन्म हमारे, परमेश्वर मेरे नाम पधारे, परमेश्वर मेरे नाम पधारे, जगत के पालन हार गंगा मैया धीरे बहो, ये तो जगत के पालन हार गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो, भोले बहो भोले बहो भोले बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार। Yeah.
प्रभु पार उतारो, सीता लखन प्रभु पार उतारो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधारो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधारो, के तो गिरधर के जय हो, गुरुवर के प्राण आधार, गंगा मैया तेरे ए तो हम सब के पालन हार, गंगा मैया तेरे ए तो जनक जी के कुलातार, गंगा मैया तेरे ए तो भारत के जीवन धार, गंगा मैया तेरे मेरे राघव जे उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, 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 गंगा पार कराया और उतरते ही केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यहीं नहीं कछु, उतारते सरकार को प्रणाम किया, पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन उदित, पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित, उतार करके गंगा पार करा करके राम जी को, लक्ष्मण जी को, निषादराज को, माँ जानकी को केवट ने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो परमात्मा को लगा कि मैंने से कुछ दिया नहीं। माँ जानकी ने समझ लिया परमात्मा संकोच में है। बाबा गोस्वामी ने लिखा, पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित, माँ ने अपनी मुद्री उतारी और राम जी को दे दी। सरकार कुछ दे दीजिए इसको। वो कहता है सरकार, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी, हमने क्या नहीं पाया, हमने सब तो प्राप्त कर लिया सरकार, दुख दर्द सब मिट गया और सरकार हमें कुछ चाहिए नहीं। कहते हैं ले लो भाई, ले लो, ले लो। कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह, सरकार मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन सरकार यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो देखिए बहुत चतुर है, तो क्या करे, फिर तिबार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर, केवट इतना स्मार्ट है, इतना हो सरकार अभी कुछ नहीं लेंगे सरकार, मैं तो संकल्प लिया हूँ सरकार, केवट केवट से उतराई नहीं लेता सरकार आप। और सरकार सुनिए, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप जब लौट के आइएगा, ले जाते समय तो कृपा प्राप्त कर लिया, आते समय भी चाहता है कि परमात्मा आए और फिर से हमको पान करवाए चरणामृत हो। देखिए कितना स्मार्ट है। लोग कहते हैं ना कि आजकल तो समाज को लोग बांट दिया लोगों ने, लेकिन नहीं माई बाप, बटिए नहीं, समय हमारा होने वाला है, 5 मिनट और प्रसंग को गाएंगे हम। केवट ने गंगा जी को पार किया है, माँ गंगा की पूजा यहाँ पे किया है सीता जी ने, और सीता जी ने गंगा पूजा किया है, निषाद राज और राम जी, लखन जी, जानकी जी आगे बढ़े हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं, तीर्थराज प्रयाग में, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, पूछा है सरकार क्या करें, स्नान ध्यान हुआ है, आगे बढ़े और आए तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए तो महर्षि वाल्मीकि से पूछे सरकार हम कहां जाएं, कहां जाएं, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा सरकार आप कहां नहीं हैं और हमको आप समझा रहे हैं, सरकार आप तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, सरकार आप कहां नहीं है, यू आर ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, आप सर्वव्यापक हैं सरकार, और मुझसे पूछ रहे हैं सरकार, कोई बात नहीं, यदि आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो ठीक है सरकार, आप थोड़ा और आगे जाइए, चित्रकूट धाम में जाइए, वहां पे अत्रिसी का
आश्रम है, अनुसुईया मामा रहती हैं, जाइए सरकार आप वहीं पे निवास करिए। परमात्मा शीघ्रता से आए हैं और चित्रकूट में परमात्मा निवास कर रहे हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। यहाँ पे दो क्या बोलते झोपड़ी कुटिया बनी हुई है, एक थोड़ा ऊपर एक थोड़ा नीचे। ऊपर वाले पर लक्ष्मण जी हैं और नीचे वाले पर राम जी हैं और माँ जानकी जी हैं। क्यों? लक्ष्मण जी को पूरा सुरक्षा। हाँ, विश्वकर्मा जी आए हैं, कभी आप जाइए तो एक बार चित्रकूट जाइए और अत्रिषि के आश्रम में जाइए। परमात्मा ने क्या वहाँ पे विहंगम देखी जा करके। यदि आज बनाना हो तो कम से कम भारत सरकार का लगेगा 200 करोड़ रुपया, इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे है। गुप्त गोदावरी अंदर परमात्मा का आसन है, सब दर्शन करिए। हम दर्शन किए हैं, जो नहीं किए हैं वो जाएं चित्रकूट धाम। कथा हम थोड़ा और आगे भी गाएंगे, मेरे बच्चे कुछ चाहते हैं। आज कथा 15 मिनट आगे बढ़ेगी, 9:45 पे। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप चले जाइएगा, नहीं तो सुनिएगा। 9:45 पे कथा विश्राम होगी। अरे 8:45 क्षमा करें, यहाँ भी दिक्कत शुरू हो गई। हमारे बच्चे कुछ आज तैयारी करके आए हैं। आओ, परमात्मा चित्रकूट में विराजमान है। ओ भाई सजा दरबरवा हे अम्बे तोरे को, भाई सजा दरबरवा भला को, भाई सजा दरबरवा हे अम्बे तोरे को, भाई सजा दरबरवा भला खूबई सजा दरबरवा, 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 भला खूबई सजा दरबरवा हे अम्बे तोरे खूबई, सजा दरबरवा भला खूबई सजा दरबरवा, अम्बे खूबई सजा दरबरवा। अरे मैया के उत्तर गंगा बह तू है, मैया के उत्तर गंगा बहत है, गंगा गंगा बह तू है, गंगा बह तू है, गंगा बह तू है, बरसो हे पिछवरवा भला, बरसो हे पिछवरवा भला, बरसो हे पिछवरवा, अरे बरसो हे पिछवरवा हे अम्बे तोरे खूबई सजा दरबरवा, खूबई सजा दरबरवा हे अम्बे खूबई सजा दरबरवा। अरे मैया के पूरब मेरे जापुर है, मैया के पूरब मेरे जापुर है, मेरे जापुर भला, दक्षिण बिंद पहाड़वा भला, दक्षिण बिंद पहाड़वा भला, दक्षिण बिंद पहाड़वा हे अम्बे तोरे खूबई सजा दरबरवा, अरे खूबई सजा दरबरवा हे अम्बे तोरे खूबई सजा दरबरवा, पीपर सो है, मैया दुआरे पीपर
अरे सोहे पिछवरवा, अरे परे सोहे पिछवरवा, भला पर सोहे पिछवरवा, अरे पर सोहे पिछवरवा, हे अम्बे तोरे खूबई सजा कर बरवा, भला खूबई सजा कर सजा दर बरवा, भला खूबई सजा दर बरवा, भला खूबई सजा दर बरवा, भला खूबई सजा दर बरवा, हे अम्बे तोरे खूबई सजा दर बरवा, भला खूबई सजा दर बरवा, हे अम्बे तोरे खूबई सजा दर खूबई सजा दर बरवा, हे अम्बे तोरे खूबई सजा दर बरवा, अरे खूबई सजा दर बरवा, हे अम्बे तोरे खूबई सजा दर बरवा। ये भैया कहाँ का है भजन, क्या है इसमें, क्या मतलब इस भजन का अर्थ है? महाराज श्री हमारे भदोही जिला के हम रहने वाले हैं, तो मुझे पता है। उसी के बगल में मिर्जापुर एक जिला है, वहाँ आदिमा विंध्याचल जी का एक भव्य मंदिर है, उन्हीं के बारे में इस भजन के माध्यम से हमने बताया। विंध्यवासिनी माँ की जय, विंध्यवासिनी माँ की जय, जय माता दी, 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 जय माता दी। देखिए माँ की चर्चा हो रही थी, माँ कहे की और माँ की ही चर्चा कर दिया, गाओ तुम भी गा लो भैया, काहे मन छोटा करो, कुछ बढ़िया सुनाया। हाँ कि श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया पैया चले ना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया पैया चले ना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया पैया चले ना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कब हो पैया पैया चले ना, कबहू हंसे मुसुकाए, कबहू माटी लेके खाए, 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 कबहू बेटे के कबहू बेटे के भले पेट पुया चले, कबहू पया पया चले ना, कबहू बेटे भले पेट कुआ चले, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कबहू पया पया चले ना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कबहू पया पया चले, कबहू माटी लेके खाए, कबहू माता से रिझाए, 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 नंद बाबा के नंद बाबा पे कान पे गुसैया चले, कबहू पया पया चले ना, नंद बाबा के कान पे गुसैया चले, कबहू पया पया चले ना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कबहू पया पया चले ना, श्याम बचपन में बन के बकैया चले, कबहू पया पया चले ना, कबहू पया पया चले ना, कबहू पया पया चले ना। वाह वाह बेटा, बचपन का याद दिला दिया हो। जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा
मैं तो निःशब्द हो गया। हमने भी गा दिया, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन, मैं गा नहीं पाता ना इस जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हाँ, सदैव अपनी धर्म पत्नी को अपने साथ रखिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, भारत वर्ष का पहला कथावाचक हूँ जिनकी पत्नी जिनके साथ चलती है, कथाओं में रहती है। राम जी साथ में लेके चले 14 वर्ष लगातार यार। तो राजू, अगर हमारे संग रही है तो हमारा सौभाग्य है ना, तभी तो कथा हमारी पूर्ण होती है, क्योंकि हम पति पत्नी दोनों साथ में आते हैं। माँ जानकी नहीं तो कहा, सरकार आप अकेले जाएंगे तो आपका 14 वर्ष पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हम और आप दोनों एक हैं, हैं? तो मिल करके कुछ करेंगे तो अच्छा होगा, शायद अच्छा हो। आपको एक बात बताऊं विशेष, अभी मैंने एक पद गाया, उसमें मैंने कहा कि बीना जी ना होती तो शायद मैं वक्ता तो हो जाता लेकिन गा नहीं पाता, गायक नहीं होता। बीना जी ने ही मुझे जो कुछ मैं गाता हूँ, इन्होंने ही मुझे कुछ सिखाया है, सब कुछ ये इनका सहयोग है, सब इन्होंने सिखाया है। हमें तो हारमोनियम की आवाज से, तबले की आवाज से सख्त नफरत था। एक बार रात में 11 बजे हारमोनियम लेके बैठी, हमने कहा बंद करो, नहीं उठा के हारमोनियम फेंक दूंगा, बाहर चला जाएगा। तब मुझे क्या मालूम था कि वो प्रथम बार मैं सुना, द्वितीय बार सुना, लेकिन वो सुनते सुनते आज बिना मैं हारमोनियम के, बिना तबला की आवाज को मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सदैव राम कथा गाते 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 यहीं पे ही सब चकाचक हो जाए यार, क्या बात है। हाँ, सदा आनंद में रहिए। आइए हम सब मिल गाएं, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। आप सब गाइए, राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा 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 राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता विसर्जन होते हैं शंभुनाथ हनुमान, राम लखन माँ जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमा पद महादेव की जय, मोर भाई सब संतन की जय, माँ भारती की जय, माँ भारती की जय, माँ भारती की जय। कथा 8 दिन में परमात्मा सिर्फ चित्रकूट तक गए हैं, कल कैसे पूरा होगा, कल राज्याभिषेक तक की कथा मैं गाऊंगा। ठाकुर जी जो चाहे सो करवा लें हो। हाँ, कल राज्याभिषेक की कथा हम लोग गाएंगे और फिर कल ही रात में आप लोग स्नेह प्रेम प्राप्त करके कल ही रात में प्रस्थान करेंगे। हमारा एक बच्चा है जो तबले पे था परसों तक, गोविंद पाठक, उसकी बहन का मंगल विवाह महोत्सव है 29 तारीख को, तो हमारी ड्यूटी लगी हुई है, मेरी बहन हो तो हमारी ड्यूटी है। और हम सभी लोग, जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम सब लोग कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, हम लोग 10 लोग हैं। हाँ, 10 लोग हैं, 2 चले गए, 12 लोग आए थे। कल हम लोग जो है कथा गाएंगे, कल भी हो सकता है 10-15 मिनट आगे चल जाए, कथा बढ़ जाए, तो 9:15 बजे तक हम लोग कल कथा गाएंगे और तत्पश्चात आरती करेंगे। जितना भी मुझसे हो सकेगा कल मैं कथा को क्रम से आपको गाऊंगा, ऐसे ही गाऊंगा, आपको लगेगा नहीं महाराज जी ने कुछ कथा छोड़ा, लेकिन कथा की गति बड़ी तीव्र से होगी। और यहाँ तक कथा आप याद रखिएगा, अगली बार जब कथा होगी आप आदेश करोगे तो यही शुरू करेंगे, जहाँ छोड़ के जाएंगे वही शुरू करेंगे। हाँ, वही शुरू करेंगे, लेकिन
कथा हम आपको क्रम से कल बता देंगे, आप सब जानते हैं, और राज्याभिषेक कथा हम लोग बड़े धूमधाम से कल गाएंगे। कल परमात्मा का राज्याभिषेक होगा, कल परमात्मा वन को गए हैं, एक रात रहने दीजिए। बहुत दिन तक परमात्मा वन में रहे ये पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए परमात्मा को कम समय के लिए बन रखा जाए। और कल आज बन गए, कल राज्याभिषेक की कथा गाएंगे हम लोग। आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया, प्रेम दिया, मेरे लोगों ने मेरे जन्मदिवस पे मुझे केक तक ला के दिए हैं। अब इसको मैं कैसे काटूं, काट दूं क्या भैया, चाकू भी आ गया। अरे बाप रे बाप, अरे रे रे क्या बात है, कैसे काटते हैं भैया, हम तो कभी काटे उठे नहीं है। कैसे हो बीना जी, आप लोगों का ये प्रेम स्नेह है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू कट केक। इसके पहले मैंने कभी कट नहीं किया केक। बोल दे, हाँ बोलो क्या बात। हरि ओम मा स्वस्तये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धत्रवाः स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहद्भद्रदधातो मृगद्वामरुतः श्रीमातरः शुभं जावानो विदधि कोजगमायः अग्रजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्निहा भद्रं कृणेभिः श्रीडुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षब्रजद्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्ं शस्तनो बृभ्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदिया रीरिकतैर्गन्तो माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदित्रजातम् अदित्रजनितवाम्मा द्योः शान्तिरान्तर्क्ष गुं शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तेः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिर् यतो यतः शमीहसे ततो न अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। व्यास पीठ पे मैं कुछ खाता नहीं, मैंने इसीलिए अपनी अर्धांगनी खिला दिया, वो खा ले। व्यास पीठ पे आपको शायद नहीं पता, देखिए मेरी दाढ़ी भी निकली हुई है। ये 9 दिन तक हम जो कथा गाते हैं ना, ये हमारे लिए एक अनुष्ठान होता है। आपको पता, आपकी कथा सुनाने आपको आते हैं 5:30-6 बजे और 4 बजे के बाद पानी नहीं पीते, और जब तक पूरी कथा गा नहीं लेते उस दिन की, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। तो उस व्यासपीठ की मर्यादा है, इसलिए इसको मैं नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने अपने हाथों से अपने अर्धांगनी खिला दिया। ये पाले समझ ली कि हम पा गए। आइए हम लोग सभी लोग उत्तिष्ठ भगवान की मंगल आरती गाएं और कथा को विश्राम दें। आइए उत्तिष्ठ, जो जहाँ पे हैं वहीं खड़े हो जाएं पूरे भाव से। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ से। आप लोगों ने जन्म दिवस को आज मेरा सौभाग्य भी है कि आज के दिन मैं कथा गा रहा हूँ। हाँ आरती। हरि ओम मेरगुं हवेः प्रजननम् मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजं बहुलं मे करो त्वन्नं पयोरेत श्मासुधत्त। Okay.
जाति कलिता कलिता सियती गावत बे आयोजक हैं राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान। संस्थान के मुख्य दो उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है आओ पहुंचाए रामचरितमानस घर घर में और दूसरा है लवारिस मानव मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करना। इसके साथ ही संस्थान के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प लिया है कि आदि माँ गोमती के पावन तट पर प्रभु लक्ष्मण भगवान जी द्वारा निर्माण कराए गए नगर लखनऊ में भगवान श्री लक्ष्मण जी का विशाल भव्य मंदिर का निर्माण और धर्मार्थ आए धर्मार्थ जाए सनातन वैदिक शिक्षण केंद्र व आश्रम का निर्माण हो। इसमें आप भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सेवा संस्थान के खाते में भेज सकते हैं। राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3609554573 9, IFSC कोड है SBIN000835 1। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9454701634 पर।